मुझे लगता है ये दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं। और टमाटर का रंग नहीं देखा आप, बात ही नहीं करना चाहते टमाटर, क्योंकि टमाटर की कीमत ने आपके चेहरे को लाल कर दिया। आप टमाटर पे बात ही नहीं करना चाहते। नेता सदन, सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। अध्यक्ष महोदय, ये सो रहे हैं या ज्यादा आंखें खुली हुई? कोई दिन हफ्ता नहीं जाता जिस दिन किसान की जान न जा रही हो, और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आज फिर चली गई एक जान, तो सरकार कर क्या रही है ये फिर? और गोरखपुर की खबर तो मैंने पढ़ी, सबसे ज्यादा गोरखपुर में फूक गए ट्रांसफार्मर। क्या हो रहा है गोरखपुर में? नेता सदन नाम नहीं लेते, तो हमने भी कहा क्यों नेता सदन को तकलीफ देनी, हम भी नाम नहीं लेते प्लांटों का। आप मुझसे पहले लोकसभा में सांसद बने, तो आपको सदन को यह बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया। तो ये जो परिवारवाद है, अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमारे नेता सदन ने शुरुआत की। आप 56 बता गए, 46 में 56, आज भी हम गिनती गिनते हैं, 46 में 56। कहां है पीडीए? कम से कम नेता सदन इस बार सत्य बोले। ये तो कहते हैं हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, क्या आपने आलू एक्सपोर्ट किया? आपने कहा कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया इधर। हो सकता है कुछ चीजें एक्सपोर्ट हुई हो, और ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय कि पहले एक्सपोर्ट नहीं होता था, पहले भी एक्सपोर्ट होता रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने चावल एक्सपोर्ट किया है, मुझे लगता है ये दिल्ली और लखनऊ वाले इंजन टकरा रहे हैं। नेता सदन खड़े होकर बताएंगे कि एक्सपोर्ट कब से बंद है चावल का, कब से बंद है एक्सपोर्ट? आम भेजा है आपने, आम तो पहले भी जाता था। जिन लोगों ने मंडियां संभाली होंगी, मंडी सरकारों में रहेंगे, वो जानते हैं कि बहुत सी चीजें पहले भी एक्सपोर्ट होती थी। हमें बताएं आलू कितना एक्सपोर्ट हो गया आपका, धान चावल कितना एक्सपोर्ट हो गया, और सुना है कि अब तो लंदन आम जा रहा है, यहां से वेजिटेबल्स मिर्जापुर से जा रही, बलिया से जा रही हैं। और टमाटर का रंग नहीं देखा आप, बात ही नहीं करना चाहते टमाटर, क्योंकि टमाटर की कीमत ने आपके चेहरे को लाल कर दिया। आप टमाटर पे बात ही नहीं करना चाहते। और अध्यक्ष महोदय, दुनिया में नहीं हुआ होगा कि किसी ने महंगाई पर कोई बात रखी हो, से जेल भेज गए आप। ये जो जाने जा रही हैं, कभी गुलदार से, कभी टाइगर से, टाइग्रेस से, या कुत्तों से, सांड से, और कभी सांड से। नेता सदन, सांड का नाम आते ही आप मुस्कुराने लगे। ये जितने माननीय सदस्य बैठे हैं, जो उस क्षेत्र से आते हैं, पीलीभीत के माननीय सदस्य उधर भी बैठे होंगे, विपक्षी ना माने नेता सदन, कब कहेगा अपने सदस्यों की माने। 40 से ज्यादा गरीब और किसानों की जान जा चुकी है, लखीमपुर में जा चुकी है, बिजनौर में गई है जान, गाजीपुर में भी। केवल अभी तो मैं गुलदार और टाइगर की बात कर रहा हूं, सांड तो बाद में लंबी सूची है उसकी। सोचिए गुलदार, लेपर्ड आपके खेतों में घूम रहा है, किसान जा नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, ये सो रहे हैं या ज्यादा आंखें खुली हुई? टाइगर आपका खेतों में, टाइगर्स खेतों में, और सूची लंबी है।
विजनौर की सूची पड़ी होगी हमारे माननीय सदस्यों ने कि कितने लोगों की जान जा चुकी है। कोई एक दिन दो दिन की बात नहीं है, ये 7-8 महीने से चल रहा है। 7-8 महीने से लोगों की जान जा रही, खेत में नहीं जा पा रहे, पैदावार कैसे बढ़ाएंगे, खेती कैसे करेंगे, जीवन यापन कैसे करेंगे, और क्या सरकार मदद कर रही है उनकी? इतना बड़ा विभाग, और विभाग का काम क्या? उन्हें अपने हालात पे छोड़ दिया किसानों को। कोई दिन हफ्ता नहीं जाता जिस दिन किसान की जान न जा रही हो, और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आज फिर चली गई एक जान, तो सरकार कर क्या रही है? ये फिर ये लंबी सूची है जिनकी जान गई है बिजनौर में या अन्य जिलों में। पीलीभीत लगभग 40 लोगों की जान जा चुकी है। क्या सरकारों की मदद कर रही है? क्या सरकार के पास कोई योजना है? सुनने में आ रहा है सरकार कोई नई गन खरीद रही है। तो इतने महीनों से सरकार क्या कर रही थी? क्या बिजली की हालत है अध्यक्ष महोदय? इसमें मंत्री जी दोषी नहीं है, अध्यक्ष महोदय मंत्री जी दोषी नहीं है, वो तो अभी बने मंत्री जी। नेता सदन कितने दिन से आप मुख्यमंत्री हैं? 6.5 साल से ज्यादा हो गए। आपने बिजली विभाग का क्या सत्यानाश किया है? इतनी ट्रिपिंग, ट्रांसफार्मर बर्बाद, रखो हो गया, ये कहां से ट्रांसफार्मर बनवा रहे हैं आप? और गोरखपुर की खबर तो मैंने पढ़ी, सबसे ज्यादा है गोरखपुर में फूक गए ट्रांसफार्मर। क्या हो रहा है गोरखपुर में? आप तो दावा कर रहे थे कि कुछ जिले वीआईपी थे। अगर कुछ जिले वीआईपी थे नेता सदन, आज सदन में बताओ आप, आज आपको बताना चाहिए कि पिछले 6.5 साल में आपने अपनी तरफ से कौन सा पावर प्लांट बनवाया जिसका बिजली उत्पादन हो रहा है और उत्तर प्रदेश को बिजली मिल रही है, बताइए आप। अब तो नाम लेना मैं भी बंद कर दिया हूं, नेता सदन नाम नहीं लेते, तो हमने भी कहा क्यों नेता सदन को तकलीफ देनी, हम भी नाम नहीं लेते प्लांटों का। वही तो प्लांट बन रहा है, कोई नया प्लांट तो नहीं बन रहा। चैरिटी बिगिंस एट होम, एक बीजेपी बहुत कहती परिवारवाद, परिवारवाद की शुरुआत नेता सदन आपने की है, आपने शुरू की। आप मुझसे पहले लोकसभा में सांसद बने, तो आपको सदन को यह बताना पड़ेगा कि परिवारवाद किसने पहले शुरू किया, और आपको तो डबल लाभ मिला, डबल इंजन डबल लाभ, आप सांसद भी बने और मठ के अध्यक्ष भी बन गए, आप ही मालिक भी आप ही हैं, तो परिवारवाद का असली लाभ तो आपको मिला है, हम लोगों को नहीं मिला किसी को। तो ये जो परिवारवाद है, अगर किसी ने शुरुआत की है तो हमारे नेता सदन ने शुरुआत की। हम तो आपकी बात बने हैं। मैंने जो बात कही चैरिटी बिगिंस एट होम, वाइस चांसलर का कितना सम्मान किया गया गोरखपुर में, हम लोगों ने वो वीडियो देखा, क्या ऐसे सम्मान होता है उत्तर प्रदेश में वाइस चांसलर जी का? और जब वो छूट करके आए तो जो जेल गए थे उनका सम्मान हुआ, सोचिए आप वाइस चांसलर का ऐसे सम्मान कराएंगे। और फिर शिक्षकों की नियुक्ति, यूनिवर्सिटी की नियुक्ति, आप 56 बता गए 46 में 56, आज भी अनगिनती गिनते हैं 46 में 56। तो कम से कम आपके जो हुआ है इसमें पीडीए कहां है, कहां है पीडीए? मैं जाति जनगणना की बात इसलिए भी कहना चाहता हूँ, फिर पीछे से कुछ बोल देंगे आप, कब तक बोलते रहोगे? मैं इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि सबका साथ सबका विकास हो गया, सबका साथ तभी आएगा जब गैर बराबरी खत्म हो जाएगी, और गैर बराबरी खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम है जाति जनगणना, और जाति जनगणना के साथ साथ सामाजिक न्याय,
और जैसा मैंने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्तियां हुई हैं, या जो आपने 56 में 46 बोला, 46 में 56 बोला, कम से कम आज तो सूची लेकर के आए होंगे नेता सदन। चलिए अब सुन लीजिए, इसलिए नेता सदन वो सूची जरूर लेकर के आए। अध्यक्ष महोदय, मैं बात खत्म कर रहा था लेकिन अभी फिर राइट हो गए आप। नहीं, इधर ही हूं सर, आपकी तरफ। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है यहां पर, चाहे वो बिजली विभाग को लेकर के, सूखा को लेकर के, किसान को लेकर के, गरीब को लेकर के, माताएं बहनों को लेकर के, या उत्तर प्रदेश में जो जीरो टॉलरेंस, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, उन बातों रखा है। मुझे उम्मीद है कि नेता सदन उन पर कुछ विचार करेंगे, और जो हम लोगों ने मांग की है कि कहीं भी मदद में भेदभाव ना हो, उस भेदभाव से ऊपर उठ करके नेता सदन मदद करें। और हमें उम्मीद है अध्यक्ष महोदय, कम से कम नेता सदन इस बार सत्य बोले। बहुत बहुत धन्यवाद।